नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आपकी किस्मत में जो लिखा होगा वो आपको मिलकर रहेगा, बस किस्मत के फैसले का इंतजार करना होगा। वहीं किस्मत का खेल तो तब हुआ जब रुद्रप्रयाग के एक आम दुकानदार कुछ ही घंटों में करोड़पति बन गया। जी हाँ, रुद्रप्रयाग के रविंद्र सिंह नेगी ने फैंटेसी ऐप ड्रीम इलेवन पर एक मैच के दौरान अपनी टीम बनाई और उनकी टीम ने उन्हें आज करोड़पति बना दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल फैंटेसी ऐप युवाओं के बीच काफी चर्चाओं में है। गांव हो या शहर, हर युवा और कोई तो बुजुर्ग भी इन पर टीम बनाकर अपनी किस्मत आजमाते हैं। वो अलग बात है कि इसमें आपके जीतने का मात्र 1% ही चांस होता है, लेकिन जब किस्मत बदलती है तो वो 1% आपको करोड़ों के रुपए का मालिक बना देती है। ऐसा ही एक आम व्यक्ति की तरह रविंद्र नेगी ने भी अपनी टीम बीते दिन पाकिस्तान प्रीमियर लीग में चल रहे मैच में लगाई। इसमें रविंद्र की टीम सबसे टॉप पर थी। रविंद्र के इस मैच में 776.5 पॉइंट थे। रविंद्र ने दो टीमें बनाई थी जिसमें उनकी एक टीम तो शायद टीम पर लगाए रुपए भी वापस नहीं लाई होगी, वहीं दूसरी टीम ने किस्मत ही पलट डाली। आप सोचिए एक आम दुकानदार कितना कमाता होगा। लेकिन जब रविंद्र की करोड़पति बनने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो ये चर्चा का विषय बन गया। आसपास के व्यापारियों ने रविंद्र को बधाई देना शुरू कर दिया। फैंटेसी ऐप वैसे तो एक जोखिम भरा काम है, लेकिन जब आपके आसपास का कोई व्यक्ति करोड़ों की रकम जीत जाता है तो लालच आना लाजमी है। वैसे इस तरह के ऐप आपको पहले ही जोखिम होने का संकेत दे देते हैं कि इस तरह के ऐप आपको बुरी आदत लगा सकते हैं और इससे आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। कृपया अपनी जिम्मेदारी से खेलें और ये व्यस्क लोग ही खेलें। फिर भी लोग अपनी किस्मत रविंद्र नेगी की तरह आजमाते रहते हैं। क्या पता कल हमारी टीम भी हमें करोड़पति बना दे। वहीं रविंद्र नेगी के खाते में 30% सरकारी टैक्स कटने के बाद 70 लाख की धनराशि आ गई है, जिसके बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल है। तो अभी के लिए हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।